हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं हूँ पिंकी और पिंकी की दुनिया में है आपका स्वागत। तो देखिए, आज का ब्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट किया है। वो वाला ब्लॉग ख़त्म करने के बाद में, कॉलेज से आने के बाद में वो वाला ब्लॉग मैंने वहीं पर ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो लेट हो रहा था, मतलब ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो मैंने ये न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और ये देखिए, मैं जो चने लेकर के आई हुई थी उनको मैंने प्लेट में थाली में निकाल लिया है। और अब हम इनको देखिए, होला होला बोलते हैं हमारे इधर। ये देखिए बड़े वाले चने हैं, ये देखिए। और अब हम कुछ एक चने जो हैं छील लेंगे, ताकि हम इनकी सब्ज़ी बना पाएँ। हरे चने की छोले की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। और कुछ को कढ़ाई में भून लेंगे। और देखिए, कॉलेज से आने के बाद में चाय हमारी बन करके है तैयार, और नमकीन भी रखा हुआ है, और इधर मेरा पानी गर्म हो रहा है, और वो दूध भी आ गया है। तो चलिए, चाय आ जाइए, आप लोग भी पी लीजिए। और देखिए, मेरी आँखें वाकई में स्वेलिंग सी लगती है वहाँ से आने के बाद, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है ना रास्ते में, बहुत ज़्यादा, तो हल्का सा थोड़ा सा भारीपन सा लगता है। बट आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग हैं मेरे साथ तो सब कुछ है बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा। तो चलिए, कुछ तो हम भून लेते हैं और कुछ को हम छील लेते हैं। तो चलिए, बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और अगर आप न्यू हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए, ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं अपनी लाइफ को एंजॉय। तो देखिए, मैं यहाँ पर भून रही हूँ चने और यहीं पर छील रही हूँ, और इसी की हम लोग छोले की सब्ज़ी बना लेंगे। बहुत टेस्टी लगती है इसकी सब्ज़ी। और पहले तो खेत वगैरह में भुने हुए चने खाते थे, बट आजकल ऐसा नहीं है। अब कोई गांव में नहीं बचा, या फिर कोई भिजवाता नहीं है, या कोई चने बोता नहीं है, या कोई लाने वाला नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अब ताज़े भुने हुए खेत के भुना हुआ होला जो है खाने के लिए नहीं मिलता है, तो इस तरीके से ला करके भून लेते हैं। वैसे भुना हुआ भी मिलता है, बट वो ताज़ा नहीं था तो मैं लेकर के नहीं आई। और मैं इसलिए हरे चने ले आई, ताकि कढ़ाई में बच्चों को भून करके दे देंगे तो वो खा लेंगे। और देखिए, यहीं पर मैं छील रही हूँ चने, तो यहीं पर बहुत सारे काम हो रहे हैं। उधर इंडक्शन में देखिए पानी गर्म हो रहा है, यहीं पर मैं पी लेती हूँ चाय, और साथ साथ में बस मैं दो घूंट ही चाय पीती हूँ। और बस थोड़ा सा मन होता है चाय पीने के बाद में, हल्की थकान दूर हो जाती है। और मैं चाय बहुत कम पीती हूँ, सुबह और शाम, सुबह दो घूंट पीती हूँ और शाम को दो घूंट बस, और ज़्यादा चाय मैं नहीं लेती हूँ। आप लोग भी ज़्यादा चाय ना पिया करें, क्योंकि चाय जो है एसिडिटी का कारण बनती है और अन्य कई बीमारियों को जो है करती है उत्पन्न। तो इससे अच्छा है कि हम कम चाय का यूज़ करें। हालांकि पी लें आप थोड़ा बहुत, आधे मग, ज़्यादा चाय का यूज़ ना किया करें अगर किसी को एसिडिटी है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर छील रही हूँ चने। ये चने की रेसिपी मैं आप लोगों को पूरी बताऊंगी, आप बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। और रियली में ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है, और इसको मैं बिल्कुल देहाती तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मुझे देहाती खाना बहुत ज़्यादा और ग्रेवी वाला बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज हम थोड़ा सा स्पाइसी बनाएंगे इसको। और रिंकू भी आ गई है देखिए, तो हम दोनों बहनें मिल करके छील लेंगे। देखिए, मेरी चाय भी ख़त्म हो गई है और छील लेंगे चने। और इसने पहले चने छीले हुए थे तो मैंने इसी में मिक्स कर दिए थे, तो वही बोल रही है कि मैंने छीले हुए थे, आपने इसी में मिक्स कर दिए, तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि ये बड़े चने होते हैं ना, तो पता नहीं चलता घेटियों में कि मतलब मिक्स हो गए हैं, तो वही छाँट रही है ये। और ये देखिए, रिंकू तो दिन भर काम करती ही है, इस टाइम मैं भी आकर के उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। अगर वो ना होती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती, जैसा कि
आप लोग देखते ही हैं कि मैं दिन भर व्यस्त रहती हूँ, घर में नहीं रहती हूँ, वही बच्चों को देखती है। तो देखिए इस टाइम हम दोनों बहनें बात भी कर लेते हैं और साथ साथ में काम भी। तो देखिए बहुत जल्दी जल्दी छिलते हैं ये, बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए लाइट चली गई है और कैसी दिख रही हूँ मैं पता नहीं, आप लोगों को वीडियो में जरूर दिखाऊंगी, लेकिन के भोपाल में भी लाइट जाती है कभी कभी। उजाले में रहने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है ना कि अंधेरे से डर लगता है अब। तो देखिए देखिए मेरी शैडो भी बन रही है दीवार में, देख रही होगी आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, लाइट आ जाए इसके बाद में, है ना। तब तक आप लोग कीजिए रेस्ट। तो देखिए यहाँ पर कढ़ाई में हमारे चने भुन रहे हैं, और किस किस को होला खाना पसंद है कमेंट करके मुझे बताइएगा, और किस किस ने होला खा लिया है इस मौसम का वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से बहुत देर लगती है इसको भूनने में, लेकिन खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और उधर देखिए हमने जो है चने छील भी लिए हैं, तो यहाँ पर रिंकू भून रही है चने। तो इसको बहुत जल्दी जल्दी चलाना पड़ रहा है क्योंकि ये जलने का डर है, कढ़ाई में तेज़ आंच में भून रहे हैं। तब से तो हम लोग मंदी आंच में भून रहे थे, बट अब तेज़ आंच कर दी है तो इसको चलाते हुए इस तरीके से हम जो है भून लेते हैं। चलिए तो तड़के के लिए हम सामान तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने ली है 4 लाल मिर्च, जो हरी वाली लाल हो जाती हैं वो वाली, और लहसुन लिया है और प्याज लिया है। आप अपने चने के अकॉर्डिंग डाल लें कितने आपके चने हैं और कितने लोगों के लिए आपको बनाना है ग्रेवी, आप उस तरीके से तैयार कर लें। हम 3-4 लोगों के लिए ही मैं बनाऊंगी। और चने देखिए दिखाती हूँ मैं आपको, बिल्कुल हरे हैं, एकदम ताज़े ताज़े, और कितने अच्छे दिख रहे हैं। इतने मीठे थे ना चने, बहुत मीठे, और इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगने वाली है। तो ये जो लहसुन प्याज हमारा है, इसको अब हम लोग जो है मैं मिक्सर जार में नहीं पीसती हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इसमें हाथ से चलाने वाली मशीन में पीसूंगी इनको। इसकी बनी हुई सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो इसको पीस लेते हैं, फिर मिलते हैं। और देखिए गैस पर कढ़ाई रख दी है, उसमें डाल दिया है मैंने जीरा, जीरा तड़कने के बाद डाल दिया है मैंने तीनों चीज़ों का जो पेस्ट बनाया हुआ था वो, और अब हम इसको मंदी आँच में भूनेंगे, और भूनने के बाद में फिर हम इसमें मसाला डालेंगे। तो इसको मंदी आंच में भूनना है, और आप चाहें तो ये वाली लाल मिर्च की जगह सूखी वाली जो लाल मिर्च आती है उसको भी ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके की बनी हुई छोले की सब्ज़ी किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज का वीडियो मेरा कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। तो ये देखिए यहाँ पर हम मसाला तैयार कर लेते हैं, तो ज़्यादा बर्तन ना भिड़ाते हुए मैं उसी में जो है मसाला तैयार कर लूँगी। 1.5 चम्मच जो है मैंने डाल दिया है इसमें धनिया पाउडर, और इसमें अब हम डाल देंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने 4 हरी मिर्च जो है ऑलरेडी उसमें ऐड कर चुके हैं। और बच्चों के सामने मैं थोड़ा सा कम तीखा बनाती हूँ क्योंकि सभी लोग खाना सब्ज़ी खाते हैं। तो अब हम इसमें नमक डाल देंगे, नमक जो है मैं छोले की सब्ज़ी में पहले ही ऐड कर देती हूँ, क्योंकि बाद में डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, नमक जाता नहीं है छोले में। और 1/2 चम्मच जो है हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, और अब हम इस मसाले में डाल देंगे पानी थोड़ी देर तक, ये जो हमारा मसाला है फूल जाएगा और बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हो जाता है। अब हम देख लेते हैं हमारा लहसुन प्याज जो है, देखिए मंदी आंच में भुन गया है और कुछ इस तरीके का गोल्डन कलर का दिख रहा है। और अब हमने जो मसाला बनाया हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे,
ये देखिए, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरीके की बनी हुई सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। और देखिए हल्की ग्रेवी हमारी बन करके हो गई है तैयार। अब हम मसाले को भूनेंगे, हल्का सा पानी मैं इसमें डाल दूँगी ताकि जो लहसुन प्याज है हमारा फूल करके ऊपर आएगा और ग्रेवी बन जाएगी। तो वही देखिए, मैं इसको अब हम लोगों को तेज़ फ्लेम पे ज़्यादा तेज़ आँच करके इसको भूनना है। तो मैं वही करके इस तरीके से इसको भून लूँगी ताकि जो लहसुन प्याज और जो हरी मिर्च है वो फूल जाएगी और ग्रेवी बन करके हमारी हो जाएगी तैयार। तो इस तरीके से चलाते हुए तेज़ आँच में हमको इसको भून लेना है। आप इसी तरीके से बनाएं। इस तरीके से बनाई हुई सब्ज़ी ना बहुत ही टेस्टी लगती है, ख़ास करके छोले की। और हरे छोले की सब्ज़ी का तो मतलब कोई जवाब ही नहीं है। सूखे छोले की सब्ज़ी ज़्यादा हरे छोले की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो मौसम में जो चीज़ें आती हैं उनको ज़रूर खाना चाहिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और ये देखिए मसाला मेरा भून करके हो गया है बिल्कुल तैयार। अब हम इसमें डालेंगे चने, और चने जो हैं देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ चने। ये डाल दिए, ये देखिए, तो देखिए चने मैंने इसमें डाल दिए हैं धोकर के अच्छे से। तो ये देखिए कितनी प्यारी दिख रही है सब्ज़ी, और खाने में भी बहुत ही लाजवाब लगने वाली है। और देखिए चने कितने प्यारे दिख रहे हैं, और हमको ये ग्रेवी वाली बनानी है, सूखी तो बनानी नहीं है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से, ये देखिए कुछ इस तरीके की दिख रही है, और इतनी प्यारी खुशबू इसमें आ रही थी। और ज़्यादा चीज़ इसमें लगी नहीं है, आप लोगों को पता ही है घर में ये सब चीज़ें होती ही हैं हमारी अवेलेबल। और मैंने इसमें जो चीज़ें ऐड की हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताई हैं। और ये देखिए 5 मिनट तक मैंने इनको लो फ्लेम पर जो है चला लिया था। अब हम इसमें डालेंगे पानी, पहले हमको इनको अच्छे से चला लेना है, चने को थोड़ी देर मसाले में, ताकि ये जो है चने बहुत जल्दी पक जाते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं चने, मैंने 5 से 7 मिनट तक इनको चलाया है लो फ्लेम पर, और ये देखिए कितने अच्छे दिख गए हैं, हल्के से सीजने लगे हैं चने। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें पानी डाल दें। और ये देखिए ग्रेवी वाली जो है छोले की सब्ज़ी हमारी बन करके है तैयार। तो ये देखिए मैंने आपको पूरी रेसिपी बताई, इस तरीके से आप चने की सब्ज़ी बना करके खा करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी मेरी रेसिपी। तो चलिए इसको पक जाने देते हैं, और ये देखिए चने की सब्ज़ी हो गई है हमारी बन करके तैयार। ये 3 प्लेट में मैंने लगा ली है, और देखिए कितनी प्यारी दिख रही है। और आज का वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि न्यू चीज़ें इसी तरीके से बना बना कर मैं आप लोगों को खिलाती रहूं। तो चलिए आप लोग चने की सब्ज़ी का मज़ा लीजिए, और देखिए कितनी प्यारी दिख रही है सब्ज़ी, एकदम करीब से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए किस किस के मुँह में पानी आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय।